अशोकनगर की मुकाबली तहसील में प्रत्याशी अरविंद सिंह यादव के साथ राघोगढ़ के विधायक जयवर्धन सिंह ने पूरे जोर शोर से किया रोड शो। उमड़ा जन सैलाब, सहराई से हुआ मुकाबली, मल्हारगढ़ से बहादुर बंगला चौराहे ताई खेड़ा में समाप्त हुआ। जयवर्धन ने बताया कि हम तीनों सीट जीत रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार को झूठी सरकार बताते हुए झूठे वादे और लाडली बहन को 3,000 कहकर लुभा रही मुंगावली प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह यादव ने पुलिस प्रशासन पर भी रिश्वत लेने के आरोप लगाते हुए बिना रिश्वत के पुलिस कार्रवाई या FIR नहीं करती ऐसा कहा। प्रत्याशी ने कहा कि हम अपने वादों पर खड़े उतरेंगे और तन मन धन से अपनी मुंगावली की जनता को सेवा करेंगे। रोड शो में भाई साहब यादव और चंदेरी विधायक गोपाल सिंह चौहान मौजूद रहे। बहनों को लाभ नहीं मिलेगा, इसमें क्या कहना है आपका? कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा है कि सरकार जैसी पंजे की बनेगी तो नारी सम्मान योजना के अंतर्गत हर एक माता हर एक बहन को प्रति माह 1,000 नहीं बल्कि प्रति माह कांग्रेस सरकार उनको देगी 1,500 रुपए। और उसके साथ साथ हमारा वचन ये भी है कि हर माता को हर बहन को और उनके परिवार को पूरे 5 साल कांग्रेस सरकार रसोई गैस की टंकी उपलब्ध कराएगी भाजपा के 1,100 में नहीं बल्कि 500 रुपए में। इससे कहीं ना कहीं जो आज भाजपा के द्वारा जो महंगाई की मार आम जन पर पड़ रही है, जो योजना कांग्रेस की है नारी सम्मान योजना जिसके अंतर्गत हर माता को हर बहन को मिलेंगे प्रति माह 1,500 रुपए और अपने रसोई गैस की टंकी है वो मिलेगी 500 रुपए में, उससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी आम आदमी को भाजपा की महंगाई से। और हमें पूरा विश्वास है क्योंकि इस बार जो माता बहनें हैं वो इस बात से आक्रोशित भी है कि शिवराज सिंह ने कहा था कि वो धीरे धीरे राशि बढ़ाकर 3,000 करेंगे। क्या हुई राशि 3,000? वो क्या गया है कि शिवराज सिंह चौहान जी को और भाजपा को आदत पड़ गई है झूठ बोलने की। चुनाव के पहले कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन जनता इस बात चाहती है कमलनाथ जी को पूरे 5 साल का मौका मिलना चाहिए है। और मुझे पूरा विश्वास है।